हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज आशीष फ्रॉम पिक राइट और लेके आया हूँ आज के लिए आपका मार्केट रैप अप। आज के दिन निफ्टी 17,300 के आसपास क्लोज हुआ है और सुबह का ग्लोबल संकेतों को देखने के बाद ये क्लोजिंग बहुत ही अच्छा है और मार्केट में अभी भी पॉजिटिव सेंटीमेंट बरकरार है। अगर हम बोले बैंक निफ्टी के बारे में तो बैंक निफ्टी आज फ्लैट क्लोज हुआ है, जहाँ पे हमने सुबह एक्सपेक्ट किया था कि बैंक में ज्यादा बिकवाली देखने को मिलेगा, बट फिर भी बैंक निफ्टी ने अपने आप को होल्ड किया है और इट इज मोस्टली बिकॉज SBI, HDFC, एक्सिस और कोटक बैंक। बैंक निफ्टी में ये चार बैंक ने पॉजिटिव रिटर्न दिया और बाकियों ने नेगेटिव दिया, बट इनके वेट्स अच्छे होने की वजह से बैंक निफ्टी में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिविटी देखने को मिला। अगर हम इसकी बात करें सेक्टोरल इंडेक्सेस की, तो सारे के सारे सेक्टोरल इंडेक्सेस आज मोस्टली नेगेटिव ही ट्रेड हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला रियलिटी इंडेक्स में, मेटल में भी काफी हद तक बिकवाली देखने को मिला था, बट एनीवे ओवरऑल जहां जो लेवल पे मार्केट क्लोज हुआ है, मार्केट अपने सपोर्ट पे होल्ड कर रहा है, सो इट इज अ गुड टाइम और इट इज अ गुड मार्केट कंडीशन टू इन्वेस्ट। तो इस मार्केट में हमें आगे के लिए क्या करना चाहिए? आगे के लिए भी हमें पॉजिटिव रुझान रखना चाहिए, आगे के लिए भी हमें वो अंडरवैल्यूड स्टॉक पिक करने चाहिए। अगर हम जैसे बोले अंबुजा सीमेंट, हमने बोला था कि अंबुजा सीमेंट हमारे पोर्टफोलियो में है और आज के दिन में 5% डिस्काउंट पे ट्रेड किया था। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में यहाँ पे और 5-6% भी डिस्काउंट हो जाए, बट आज के दिन में अंबुजा सीमेंट बिकम्स अ वेरी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट क्योंकि अंबुजा सीमेंट का डिविडेंड यील्ड 5% है। तो आप आज के दिन में FD डालते हैं तो 6% अंबुजा सीमेंट जैसे कंपनी जो डीप डिस्काउंट पे अवेलेबल है एंड 5% डिविडेंड यील्ड, इट इज अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट। तो इस तरह का बहुत ही बेहतर इन्वेस्टमेंट आइडिया सोच के हम हमारे पोर्टफोलियो में डालते हैं और उसको रेगुलरली डेवलप भी करते हैं। टू सब्सक्राइब टू सच इन्वेस्ट एंड पोर्टफोलियोज, प्लीज विजिट आवर ऐप एंड सब्सक्राइब टू इन्वेस्टमेंट। अगर हम आज के दिन के टॉप गेनर्स के बारे में बात करें तो टॉप गेनर रहा कोल, क्योंकि कोल का बहुत ज्यादा डिमांड है ग्लोबली और क्रो प्राइस 4-6 साल हाइज में ट्रेड कर रहा है, तो इसलिए कोल इंडिया में बहुत ही अच्छा तेजी देखने को मिला। उसके बाद सेकेंड कंपनी कौन था? वो था SBI लाइफ। अगर आप देखें हम पिछले एक हफ्ते से बोल रहे हैं टू एक्यूमुलेट ऑन इंश्योरेंस, SBI लाइफ में रिकवरी देखने को मिला, ICICI लाइफ भी पॉजिटिव था। पिछले हफ्ते हम ये भी बोले थे कि HDFC इज एट ए गुड वेरी गुड प्राइस टू बाय, तो HDFC में भी आज बहुत ही बढ़िया तेजी देखने को मिला। तो उस हिसाब से आप जो भी डीप डिस्काउंटेड स्टॉक्स हैं उस पे एवरेज करें और लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो को बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।